बनी हुई है और इस मुद्दे लगातार ऑफिस के सारे कामों को छोड़कर। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से आपको दिखा रहा है कि हज़रत सैयद मुमताज़ शाह बाबा की जो 4 दिवसीय कार्यक्रम है, जो सालाना उर्स मुबारक को लेकर के यहाँ पे SMS फाउंडेशन के द्वारा भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ 4 दिवसीय कार्यक्रम का हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। वहीं आज जो है आखिरी दिन है, जहाँ पर आपको हमने पहले बताया हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहाँ सतीश पांडे जी हैं, अनिल पांडे जी, वहाँ कामरान बेग जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए वो क्या कहना चाहेंगे और जिस तरीके से उस मुबारक मौके पर ये सालाना जो कार्यक्रम होता है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सतीश जी, आपका स्वागत। ये SMS फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष ये हज़रत सैयद मुमताज़ शाह बाबा का ये सालाना उर्स मनाया जाता है और इसमें इस कमेटी के सभी पदाधिकारियों के द्वारा जिस अंतरात्मा से इसमें शिरकत की जाती है, इसके लिए हम इस कमेटी के अध्यक्ष भाई आकिल सईद बाबा जी को और इनके साथ जुड़े हुए सारे के सारे लोग जो इनके कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और बाबा से ये गुजारिश करता हूं कि इन आयोजकों के ऊपर और यहाँ बैठी हुई जनता के ऊपर और हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, यही हमारी उनसे प्रार्थना है। अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ सतीश पांडे जी, तो हमारे साथ अनिल पांडे जी भी, उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में और जैसे कार्यक्रम में जो दिखाया गया हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को लेकर के। तो सर, आपका स्वागत। देखिए, इस समय जिस तरीके से माहौल आप देख रही हैं पूरे भारत में, किस तरीके से जगह जगह हिंदू मुस्लिमों के लिए लगातार अनावश्यक रूप से लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं, इस कड़ी में इस तरीके के जो आयोजन हो रहे हैं SMS फाउंडेशन द्वारा, जिस तरीके से हमारे जो अध्यक्ष हैं आकिल सईद बाबा जी ने और हज़रत सैयद मोहम्मद साहब बाबा का लगातार जो यहाँ पे प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है और 3 वर्ष कोरोना में गैप रहा, उसके बाद फिर से भाई ने शुभारम्भ किया है, तो इनको बहुत बधाई है। और जो भी हिंदू मुस्लिम संस्कृति की जो आप जो लोग जो हैं रक्षा करने का काम कर रहे हैं और इसको इसी तरीके से करते रहे, जिससे क्षेत्र में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है इस चीज़ को लेकर। अच्छी बात कही सर ने। तो हमारे साथ में कामरान बेग जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। तो सर, आपका स्वागत। शुक्रिया आपका। हज़रत मुमताज़ साहब बाबा का ये सालाना उर्स हर साल हमारे सईद बाबा कराते हैं, इनको SMS फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जितने भी हमारे पीर जो बुज़ुर्ग हुए हैं उन्हीं ने इंसानियत की खिदमत करी हमेशा, और उन्हीं में से शख्सियत में से एक हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी भी जिनका उर्स है हज़रत मुमताज़ साहब बाबा, उनका भी यही पैगाम था इंसानियत की खिदमत करना। और सबसे बड़ा मज़हब आज की तारीख में हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इंसान और इंसानियत की खिदमत करना, और हम बहुत मुबारकबाद देते हैं सईद बाबा साहब को और पूरी SMS फाउंडेशन को कि इस तरह का एक गंगा जमनी तहजीब और कौमी एकजहती को मजबूत करने वाला ये कार्यक्रम हर साल कराते रहें। और हम बाबा से दुआ करेंगे कि वो इस देश की गंगा जमनी तहजीब को मजबूत रखें, हिंदू मुस्लिम और मज़हबी भाईचारों को मजबूत बनाने के लिए दुआ करते हैं। और हम बहुत मुबारकबाद देते हैं आप सबका और बाबा सईद साहब का कि उन्होंने हमेशा हर साल की तरह इस बार भी उस कराया और सबको साथ लेकर यहाँ पर सब लोग आते हैं, बहुत खुशी का माहौल होता है। आप राजनीतिक क्षेत्र से भी ताल्लुक रखते हैं, तो एक सवाल आपसे, राजनीति 2024 की क्या तैयारी? 2024 अभी दूर है और जैसा कि गठबंधन बन रहा है और इंडिया गठबंधन जिससे भाजपा बहुत डरी हुई है, सत्ताधारी पार्टी, तो लगता तो ऐसे ही है, डर बता रहा है कि इंडिया आपकी आएगा और हमेशा से हम लोग सब इंडिया करते आ रहे हैं और फिर इंडिया पूरा देश करेगा आपकी बात। हमारे साथ कामरान बेग जी, जिन्होंने यहाँ पे लोगों को तो शुभकामनाएं दी, साथ में उन्होंने 2024 की भी घोषणा करी कि इंडिया ही इंडिया आएगा ही। हमारे साथ में अकील जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि इस कार्यक्रम को बाखूबी से इतने अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो उन्होंने मेहनत करी है, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी फाउंडेशन के द्वारा और सभी को क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे। तो आपका स्वागत। हम सभी को मुबारकबाद देना चाहते हैं, खास करके SMS फाउंडेशन के सभी सदस्यों को जिन्होंने हमारे कंधों को मजबूत किया, जैसे अशरफ भाई हमारे साथ खड़े हैं, मुशर्रफ भाई हैं,
मुमताज भाई, मुन्ना भाई, इन सब ने बड़ा सहयोग दिया और अंदर से ताकत मिलती गई और इस प्रोग्राम को करा दिया। तो सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज आखिरी दिन है उस मुबारक को लेकर के? ये मैम हिंदू मुस्लिम एकता का मुमताज शाह बाबा का ये जो उठ चल रहा है, दो साल ब्रेक हो गया था चूंकि कोरोना की वजह से और आज ये पुनः हुआ है। इस कमेटी के SMS फाउंडेशन के जो जनाब अध्यक्ष आतिफ सैयद बाबा जी हैं, बात ये फिर से बढ़ा गया है, सहयोग दिया गया इस कमेटी को। मंडल उपाध्यक्ष मानी पाठक जी का ही सानिध्य में हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं इस कोर्स में कि ये निरंतर ऐसे व्यापक होता रहे और हमेशा जो नहीं हो बस यही मरी। विपिन जी जो बीजेपी के नेता भी हैं, दिग्गज नेता, क्षेत्र में क्षेत्रवासी दिन रात उनके सुख दुख में खड़े रहते, हमारे साथ में मुमताज जी हैं जो कि SMS फाउंडेशन के सदस्य हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वो अपने इस उर्स मुबारक मेले को लेकर आगे से आगे बढ़ रहे। तो आपका स्वागत। हम ये कहना चाहेंगे हमारे दरगाह सैयद मुमताज साहब बाबा मेरे ही नाम से है, हमारा भी मुमताज सदस्य है और मेरा भी मुमताज अहमद नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस हमेशा इसी तरीके से होता रहे, धूमधाम से। अर्जित साहब बाबा हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे इस उर्स में और इसमें चार चांद लगे और इसको और बढ़ाया जाए अच्छे से अच्छे और मैसेज दूर तक जाए कि ये यहाँ का मेला एक वर्ल्ड में हमारे इस इंडिया का सबसे नंबर वन पे जा रहा है और इसको 3 साल नहीं हो पाया तो कोरोना के चक्कर में और कुछ पुल वगैरह बन रहे थे, अब इस सब तैयार हो गया, अब इसमें हम लोग फिर से लगे हैं। इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा पड़ी है लेकिन हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हमारे नाम से है बाबा सैयद मुमताज साहब बाबा, हम जब तक जिंदा रहें हम इस उर्स को बरकरार रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कव्वाल लाने की कोशिश करेंगे। हमारे बाबा जी हैं अखिल सैयद बाबा, ये हमारे 3 महीना पहले हमको मिले, कहने लगे कि मुमताज भाई उर्स होना है, तो हमने कहा कि ठीक है अगर आप कहते हैं तो हम। मैं ये कहना चाहता हूँ आज से हमारे 3 साल पहले हमारे पापा भी प्रोग्राम के अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ पे और पापा हमारे और बाबा जी हमारे अखिल सैयद बाबा, ये दोनों जो है आशीष करते थे और मुराद अली साहब हमारे थे चचा, वो भी थे और हमारे मरहूम पापा ख़त्म हो गए हैं, इंतकाल हो चुका है इनका और इंशाल्लाह उनकी गद्दी मैंने संभाली है और इंशाल्लाह आगे कोशिश यही करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोग्राम इससे बढ़ती होगा, ऐसा बढ़ती होगा पूरे लखनऊ के पूरे UP देखेगा इंशाल्लाह। तो उस मुबारक मौके पे जिस तरीके से आज आखिरी दिन है, जवाबी कव्वाली का दिन है, तो हमारे साथ में 2 मशहूर गायक यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे कि जो इस कार्यक्रम में आके उनको कैसा लगा और पिछले कितने सालों से वो अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। आपका स्वागत है जी। मेरा फर्स्ट टाइम है, हालांकि मैं करता रहता हूँ प्रोग्राम्स और इस प्रोग्राम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और पहली चीज़ तो स्मिता मेरे साथ है, उसका भी फर्स्ट टाइम था, मैं दो बार कर चुका हूँ लेकिन इस बार मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। आकिल भाई उनके जानिब से मुझे यहाँ पे मौका मिला और आप हमारे जो शायर साहब हैं अकमल साहब कानपुर के, उनके साथ उनकी लिखी हुई जो नात थी, जो नातिया कलाम थे, हम थे, वो सब लोगों ने अभी बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत खुशी हुई, मजमा देखी, बहुत प्यार मिला और हमेशा ऐसे ही ये मेला लगता रहे। बहुत अच्छा कहा आपने। स्मिता जी क्या कहना चाहिए? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और मेरा तो फर्स्ट टाइम है, ये पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर जो ऑडियंस हैं, जो लोग हैं और जो हमारे सर हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्रोग्राम करके। तो आप लखनऊ से कहीं बाहर? नहीं नहीं, मैं यहीं लखनऊ, मैं चौक में रहती हूँ, मैं लखनऊ में ही हूँ चौक से। तो जो जिनके द्वारा जो यहाँ पे 2 मशहूर गायक जो अपने गीत गा रहे हैं, तो गीतकार भी हमारे साथ में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अकमल कालपुरी। इस उर्स के मौके पे शंका हुई है भाई, बाबा ने कहा अखिल सैयद साहब ने कि भाई इनके लिए कलाम लिखना है, बाबा की शाल में लिखना है, नातिया कलाम लिखना है, तो उस सिलसिले में हाजिरी हुई और ये बाबा का कलम है, लाख लाख जो कि मतलब अपनी बस की बात कहा, अगर कलम ना हो तो यानी कैसे लिखा जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस हिंदू मुस्लिम एकता के मौके पर यानी एक शेर है कि आस्ती नम तो कभी चाक गरेबा देखा,
तेरे दीवानों को हरचंद परीक्षा देखा, जिसपे दिल आ गया वो हो गया अपनों में सुबार, प्यार में हमने ना हिंदू ना मुसलमान देखा। बहुत अच्छी बात जी। तो सर के लिए क्या कहना चाहेंगे जैसे एसएमएस फाउंडेशन के द्वारा, और कितने सालों से ये यहाँ पे जो, जैसे कि हमने पहले भी आपके कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम बताया कि 107 साल हो गए हैं, जिसमें से 107वां साल है, 106 साल पूरे हो चुके, तो आप कितने सालों से देखते आ रहे हैं इस मेले को? ये तकरीबन हमारा वो बाबा का साथ में यानी काफी अरसे से है, लेकिन इसमें उर्स के सिलसिले में शिरकत यानी करीब 15-20 साल से हो रही है बराबर। और कव्वालों के लिए, कव्वालाओं के लिए, सिंगरों के लिए, अभी पिछले साल 3 साल पहले लॉकडाउन के दरमियान ये बंद था प्रोग्राम, इससे पहले भी स्टार्ट हुआ, तो इनके साले साहब जो है जावेद गौरी साहब, उनके लिए कुछ कलाम लिखे और उन्होंने इसी स्टेज पे गाया। बराबर लिखना रहता है और हर साल यानी आना होता है। तो आज हम लोग आए थे लाल कुआं भेड़ी मंडी में, जहाँ 4 दिवसीय कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे सैयद हजरत मुमताज है दरगाह पर जो चादर भी चढ़ाई जा रही है और सारी चीजें हो रही, वही हम आपको दिखा रहे हैं कि उस मुबारक मौके पे यहाँ पे 4 दिवसीय कार्यक्रम जो रखा गया था हजरत सैयद मुमताज शाह बाबा के, जो है उस मुबारक मौके पे सालाना कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पे आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन को लेकर के सारे इंतजाम करे गए हैं, जहाँ पे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि भी लोग भी आए हुए थे और साथ में मशहूर गायक कलाकार भी आए हुए थे और साथ में गीतकार भी आए हुए थे। तो हम ऐसे आपको दिखाते रहेंगे कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो उस मुबारक मौके पे आज जो कार्यक्रम हुआ तो हमने आपको दिखाया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।